ब्लैक बॉक्स कई महीनों तक रहता है, इसमें डेटा सुरक्षित। ब्लैक बॉक्स की खोज वर्ष 1954 में एरोनॉटिकल रिसर्चर डेविड वॉरेन नामक व्यक्ति ने की थी। शुरुआती दिनों में ब्लैक बॉक्स को लाल रंग के कारण रेड एक्ट कहा जाता था, लेकिन अंदरूनी दीवार काली होने के कारण इस डिब्बे को ब्लैक बॉक्स कहा जाने लगा। ब्लैक बॉक्स आमतौर पर रंग नारंगी, लाल या गुलाबी होता है, ताकि दुर्घटना के बाद यह झाड़ियों या कहीं मिट्टी आदि में गिर जाए तो भी इसके रंग के कारण यह दूर से दिख जाए। ब्लैक बॉक्स का निर्माण टाइटेनियम धातु से किया जाता है, ताकि तीव्रतम दुर्घटना के बाद भी यह सुरक्षित रहे और उससे पता लगाया जा सके कि किस गलती की वजह से प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ। रिसर्च के अनुसार ब्लैक बॉक्स लगभग 11,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान सह सकता है। रिसर्च के मुताबिक समुद्र में 20,000 फीट तक गिरने के बाद भी इस बॉक्स से बीप की साउंड और रेंज निकलती रहती है और यह लगातार 30 दिनों तक बिना किसी बाहरी ऊर्जा के जारी रहती है। इस आवाज की उपस्थिति को खोजी दल 2-3 किलोमीटर की दूरी से ही पहचान लेते हैं। अगर ब्लैक बॉक्स को खोजने में वक्त भी लग जाए तो भी बॉक्स में डेटा सुरक्षित रहता है। ब्लैक बॉक्स सभी प्लेन में रहता है, चाहे वह पैसेंजर प्लेन हो, कार्गो या फाइटर। बॉक्स को सुरक्षा की दृष्टि से विमान के पिछले हिस्से में रखा जाता है। ब्लैक बॉक्स में दो अलग अलग तरह के बॉक्स होते हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। यह विमान की दिशा, ऊंचाई, ईंधन, गति, हलचल, केबिन का तापमान इत्यादि सहित 88 प्रकार के आंकड़ों के बारे में 25 घंटों से अधिक की रिकॉर्डेड जानकारी एकत्र रखता है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। यह बॉक्स विमान में अंतिम 2 घंटों के दौरान इंजन की आवाज, आपातकालीन अलार्म की आवाज, केबिन की आवाज और कॉकपिट की आवाज को रिकॉर्ड करता है, ताकि यह पता चल सके कि हादसे के पहले विमान का माहौल किस तरह का था।